नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार सिंह, 4 टाइम झारखंड स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट एंड 1 टाइम डीएवी स्कूल नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% जो रनर्स होते हैं उसको यही दिक्कत होती है, क्या कि हमारा जो जब रनिंग लगाते हैं या फिर कोई सा भी आपका राउंड बच गया, 4 राउंड या 3रा राउंड बच गया हो, या फिर 100 मीटर या 200 मीटर का लास्ट 25-30 मीटर बच गया हो, तो उसमें आपका पैर और हाथ पकड़ने लगता है। तो हाथ के ऊपर का मैंने ट्रीटमेंट बता दिया हूँ, वीडियो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। अब आपको बताते हैं पैर का, ठीक है। तो इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के कहने पे ही मैंने इंस्टाग्राम चैनल बना लिया है, चैनल बोल रहा हूँ, आईडी बना लिया हूँ, ठीक है। ये मेरा स्क्रीनशॉट देख लीजिए, अंकित रनर 04, वहाँ पर जाकर अभी आप फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको हो सके तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। यहाँ पर भी मैं रनिंग की छोटी छोटी जो बातें होती है, टिप्स होती है, वो देता रहूँगा। अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट भी करना है तो यहाँ से आप आ सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम से। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आपका पैर क्यों पकड़ता है। देखिए, इसका 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जब आप सीमा से, आपका जो सीमा होता है, आपका जो लेवल होता है अभी, ठीक है, उससे आप जब ऊपर जाने की कोशिश करने लगते हैं तो आपका पैर पकड़ेगा, ठीक है, ज़रूर पकड़ेगा। क्योंकि ये हर रनर के साथ होता है, चाहे मैं इंटरनेशनल हूँ या फिर कोई नेशनल प्लेयर है या फिर कुछ है, चाहे कोई भी है, ठीक है। इंटरनेशनल धावक कभी 400 मीटर पर पैर पकड़ता है, क्योंकि वो अपना लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं, अपना लेवल को बढ़ाइए। पैर तो पकड़ना है ही, पैर मेरा ही पकड़ता है, सबका पकड़ता है, ठीक है। तो वो किस तरह से ठीक होगा, उसको लेवल को बढ़ाना है। ऐसा आपको एक भी YouTube पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ आज। अगर आज आप ये चीज़ समझ गए ना, तो आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, आप आने वाले 4-5 महीने में अगर इस टाइप से आप प्रैक्टिस करते हैं तो 100% बताता हूँ आपका पैर बहुत कम पकड़ेगा, ठीक है। आप मान के चलिए, एक एग्जांपल लीजिए, कोई ओलंपिक का धावक है 400 मीटर लास्ट का 40-50 मीटर उसका ही पैर पकड़ता है, ठीक है। वो क्या किए हैं, आप अपने लेवल को बढ़ाइए। आपका जो लेवल है, जैसे आपका लेवल मान के चलिए 5 मिनट का है 1600 मीटर, या 100 मीटर 12 सेकंड का, ठीक है। तो आपको अपना लेवल को बढ़ाना, अगर आप 5 मिनट का आपका मैक्सिमम है और उसी में आप कोशिश कीजिएगा कि मैं 4:30 लगा दूँ, 4:20 लगा दूँ, 4:30 लगा दूँ, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर आप जैसे ही जाने लगेगा तो आपका पैर हाथ पकड़ने लगेगा, ऑक्सीजन की खपत होने लगेगी बॉडी में, पैर हाथ पकड़ने लगेगा। तो हम आपको ब्लैकबोर्ड में सिखा रहे हैं आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना, और मैं आपको उससे पहले एक एक्सरसाइज बता देता हूँ। हर दिन वार्मअप के बाद आपको ये सिंपल सा एक्सरसाइज करना, देखिए ये वाला, ये दिखने में बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ जो आएगा ये पैर सीधा और इधर आ गया ऐसे, ठीक है। इसको आपको हर दिन वार्मअप के बाद करना है, ठीक है, 4 से 5 बार करना है, 2-2 मिनट का, ठीक है। आप ये बहुत देखिएगा, ये देखने में बहुत छोटा एक्सरसाइज है, मतलब बहुत नॉर्मल सा एक्सरसाइज, जब आप करके देखिएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे पैर में जो है हमारी ये खुलने की आदत होने लगेगी, ठीक है, और इधर का जितना भी मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। और ख़ास करके जो हाइनी एक्सरसाइज होता है ये वाला, ठीक, और बट किक होता है ये वाला, इसको सप्ताह में आप लोग 3 दिन कीजिए ही कीजिए। और ऐसे मैं प्रॉपर ABC पे वीडियो डालने वाला हूँ कुछ दिन में, टेंशन नहीं लीजिए, 4-5 दिन के अंदर वो वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। वो आपको सप्ते में कम से कम 2 से 3 दिन ज़रूर करना है। ये क्या करेगी, हमारे पैरों में पावर लाती है। आप लोग बहुत, कोई जिम नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन ABC रनिंग एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका पैरों में पावर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आपका जो थकने की समस्या है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और जो आपको अभी ये वाला एक्सरसाइज बताया, ठीक है, जो ऐसे ऐसे करने वाला बताया, उसको हर दिन कीजिएगा, हर दिन वार्मअप करके आइएगा। वार्मअप किस तरह से करना, प्रॉपर वार्मअप कीजिए, और स्ट्रेचिंग आपको मस्ट है, स्ट्रेचिंग और कूल डाउन, इस तीनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है। अब हम आपको बता दें किस तरीके से प्रैक्टिस करना जो आपका पैर नहीं पकड़ेगा। आपको अपने आप का लेवल बढ़ाना है, ठीक है। चाहे ओलंपिक में कोई 45 सेकंड का भी 400 भागता है फिर भी उसका पैर पकड़ता है लास्ट के 40-50 मीटर, पैर पकड़ना अनिवार्य है। लेकिन जब वो अपना लेवल ऐसा जगह बनाए कि आपका पैर पकड़े 4:40 में, 4:35 में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, पैर सबका पकड़ता है। अब आपको बताते हैं क्या करना है। पहले तो आपको मस्ट वार्मअप जरूर करना है, वार्मअप के बाद ये वाला एक्सरसाइज हाइनी और बट किक जरूर करना, और ये वाला एक्सरसाइज जरूर करना जो आपको बताए आगे पीछे वाला, ठीक है। 2 मिनट का 5-6 रेपिटेशन लगाना है, और कूलिंग डाउन और स्ट्रेचिंग मस्ट है। ये वीडियो मैंने बनाया हूँ, देखिए, पहले आपको करना है वार्मअप, उसके बाद ये एक्सरसाइज है, फिर आपको वर्कआउट जो भी है आपका, ठीक है, आपका जो भी वर्कआउट है, आप मेरा फॉलो कर रहे हैं तो वो कीजिए, किसी और का कर रहे हैं कोई बात नहीं वो भी कीजिए, ठीक है, आपको जिसमें फ़ायदा लगता है वो कीजिए। लेकिन सबका सीक्वेंस ये होना चाहिए, वार्मअप, ठीक है, वार्मअप के बाद कुछ एक्सरसाइज है, फिर वर्कआउट, फिर कूल डाउन, फिर स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह से प्रैक्टिस करना है।
तो दोस्तों आपको इस टाइप से प्रैक्टिस करना है, इसको मैं डीपली समझाऊंगा आपको और बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर ये ट्रिक आप सीख गए तो आपको गारंटी बताता हूँ कि आपका जो पैर पकड़ने की समस्या है वो 90-95% तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपका लेवल बढ़ जाएगा। आप चाहे कितना भी ख़राब टाइमिंग क्यों ना मारते हो, आप चाहे 1600 मीटर 7 क्यों नहीं 8 क्यों नहीं मारते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ट्रिक अपनाना है। मान के चलिए आपका कोई सा दिन रेपिटेशन है, चाहे मेरा वर्कआउट कर रहे हो उस दिन रेपिटेशन है 400 मीटर। ठीक है, इसको आप स्लो फास्ट में भी कर सकते हैं, 400 मीटर भी कर सकते हैं, कोई रेपिटेशन वो भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है। एक दिन मान के चलिए मेरा मंडे या सैटरडे को 400 मीटर का रेपिटेशन है। ठीक है, रेपिटेशन आपका कोई सा भी हो सकता है, 1500, 1600, 300, 200, 500 कोई सा भी आपका रेपिटेशन है, आप चाहे कोई सा भी वर्कआउट फॉलो करते हैं। ठीक है, मान के चलिए आपका 400 रेपिटेशन और आपका रेस में बचा हुआ 5 महीना, 1, 2, 3, 4, 5 महीना। ठीक है, डीपली आप समझिएगा ये चीज़, अगर आप फॉलो कर लीजिएगा, ये आपको खुद समझना है किस तरह से करना है। तो पहला मन जो आपका है, आपको रेपिटेशन ज़्यादा लगाना 1620 के आसपास। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि इतना ज़्यादा रेपिटेशन हम कैसे लगाएंगे, मर जाएंगे। कुछ नहीं है, यहाँ टाइमिंग देखिए, आपको लगाना है 150 का। 150 का एक लड़की को बोल दिया जाए ना तो लड़की भाग जाएंगी। ठीक है, आप ज़रूर कर लीजिएगा भाई, सब इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। 150 हो गया, उसके बाद रिकवरी इसमें कम लेना है। ये जो पहला सीज़न है, मतलब पहला आपको मंथ है, और ये पहला मंथ आपका जब चलेगा, मतलब तब चलेगा जब आप फिट हो। ऐसा नहीं कि आप अभी मोटे हो बहुत, आप हल्का फुल्का फिट हो उसके बाद से आपको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला मंथ में आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। दूसरा मंथ जब आए तो दूसरा मंथ, ठीक है, रेपिटेशन घटाइए, मतलब कि रेपिटेशन को कम कीजिए, टाइमिंग को थोड़ा और कम कीजिए। 150 का मार रहे थे, अब 140 का मारना है अब, लेकिन थोड़ा रिकवरी आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तीसरा मंथ जब आया तो रेपिटेशन कम कीजिए, और यहाँ से क्या होगा, ये आपका पूरा रिदम बैठते हुए जाएगा। ये आठवां, मतलब इधर तीसरा दिन आपको 8 रेपिटेशन लगाना है, टाइमिंग आपको कम कर देना है और कम, 1:35 के आसपास। ठीक है, धीरे धीरे टाइमिंग कम होगा, रेपिटेशन भी कम होगा और रिकवरी आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये बॉडी में स्पीड, आप धीरे धीरे स्पीड वर्कआउट की ओर जा रहे हैं, ये आपका ऑफ सीजन चल रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे देखिए, ये तीसरा हो गया, इस तरह मान के चलिए चौथा आया, चौथा में आपको 6 रेपिटेशन लगाना है, टाइमिंग जाना चाहिए 1:20। यहाँ देखिए टाइमिंग आ गया अच्छा, लेकिन यहाँ आपको रिकवरी मिल गया 3 से 3:15, 4 तक का। ठीक है, अब मान के चलिए पांचवा, अब आपका लास्ट महीना बचा हुआ है, तो इसमें आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा 4 लगाइए, 3 से 4, और लगाना है आपको 1:05, मतलब कि ये लगेगा आपका 90 से 95 के आसपास, या फिर मान के चलिए 100%, लेकिन 100% कोई लगा नहीं पाता है, वो 95 ही लगता है, 100% लगता है पूरी तरह से। आपका रेस 100% तभी लगेगा जब आपको इवेंट में भाग रहे हो। ठीक है, तो ये देखिए धीरे धीरे आपका परसेंटेज घट रहा है कि नहीं। पहले आपका मान के चलिए आपका होगा 1:50, आप 60% भाग रहे होंगे, ये आपका आएगा 70, ये आएगा 80, ये आया 90, ये आया 95। आपको इस तरह से धीरे 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 अपना शरीर को लोड देना है, प्रोग्रेसिव लोड देना है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये आप चीज़ आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप निश्चित बता रहे आपका पैर नहीं रुका है। अब लोग क्या करते हैं कि 400 मीटर आप आज से स्टार्ट किए वर्कआउट, अब इसी को 1:15, 1:15 लगाते रहते, कोई बेनिफिट, कोई आपका टाइम घटेगा नहीं, वहीं रहेगा। जब आपका लेस्ट 5 महीना भी आ गया तो यहाँ भी आपका 1:15 ही टाइमिंग आएगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे टाइमिंग घटेगा। यहाँ रेपिटेशन लगाइए, यहाँ पर पूरे पैर में पावर आएगा, यहाँ पर जितने भी मैंने एक्सरसाइज बताए यहाँ पर ये ज़्यादा कीजिए, पुलअप पुशअप्स वगैरह ज़्यादा कीजिए, यहाँ पर आते रहे। यहाँ पर आपको रिकवरी कम लेना है, यहाँ पर पूरा एंड्योरेंस वर्क करना है, पूरा स्टेमिना, पूरा हो गया एंड्योरेंस हो गया, सारा कुछ यहीं पर बनने लगेगा। ये से 2 से 3 महीना, लास्ट का 1 से 1.5 महीना जो बचेगा आपका स्पीड वर्कआउट में चल जाएगा। ठीक है, स्पीड वर्कआउट में क्या सिस्टम होता है कि हमारे बॉडी को रेस्ट ज़्यादा मिलेगा, 4 से 4.5 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इससे भी नीचे जब आपका 10 दिन बचा हो प्रैक्टिस का, तो आप 3 रेपिटेशन लगाइए पूरे दम से, 95 से 100 के आसपास लगाइए, और यहाँ पर आप रिकवरी ले सकते हैं 5 से 10 मिनट तक का आराम से, 12 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस टाइप से प्रैक्टिस करना सीख गए जो हम आपको बताएं, आप चाहे कोई सा भी रूटीन फॉलो करते हैं, सबका रूटीन निकालिए, उसमें रेपिटेशन अगर आपका 5 महीना बचा हो तो रेपिटेशन ज़्यादा लगाइए, टाइमिंग और मतलब कि ज़्यादा लीजिए, 1:50, 1:60। ठीक है, और उसमें रिकवरी बहुत कम लीजिए, फिर जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे घटाते जाना है, रिकवरी बढ़ाते जाना है, टाइमिंग घटाते जाना है, रेपिटेशन घटाते जाना है, और ये सामने आता जाएगा। समझ में आ गया। अगर इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ आपका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। पैर सबका पकड़ता है दोस्त, लेकिन इस टाइप से अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो गारंटी देता हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो दोस्तों आज का यही वीडियो था, जिन भाइयों का पैर पकड़ता है, खास करके आपको फोकस करना है ABC रनिंग एक्सरसाइज पे, उससे रिलेटेड मैं वीडियो डाल दूंगा, और पैर की जो एक्सरसाइजें होती है स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, और इस टाइप से वर्कआउट फॉलो करना है। तो दोस्त यही था आज का वीडियो,
मैं आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो डीपली इसके ऊपर ही एक वीडियो आपको अच्छे से बना के दे दूँगा, ठीक है। ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज छोटा सा वीडियो, आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्त मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।